क्या होगा अगर आप ओमेगा 3 फिश ऑयल 30 दिन तक लगातार लें। ओमेगा 3 एसेंशियल है क्योंकि ये हमारा शरीर बनाता नहीं है। 70% तक जो पॉपुलेशन है वो देखा गया ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से जूझ रही है, और ख़ास करके जो EPA टाइप ओमेगा 3 है ये इन्फ्लामेशन को कम करता है हमारे शरीर में। इन्फ्लामेशन हमारे शरीर के अंदर सूजन से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, चाहे वो जॉइंट में हो, चाहे वो लीवर में हो, चाहे हार्ट में हो, चाहे पैनक्रियाज में होकर आपको डायबिटीज शुगर हो जाए, तो ये इन्फ्लामेशन को EPA टाइप ओमेगा 3 कम करता है। तो ये 70% लोगों के अंदर देखा गया डेफिशिएंसी आ रही है, और लगभग जो 20% हमारा जो ब्रेन है वो DHA टाइप जो ओमेगा 3 है उससे बना होता है। तो अगर DHA टाइप ओमेगा 3 कमी हो जाए तो हमारे साथ कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जितना DHA टाइप ओमेगा 3 का आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा उतना ही आपका बॉडी जो भी आप खाए पिएंगे उन सभी खाए पीने वाली चीज़ों से कैल्शियम आपके शरीर में बनाना और बढ़ाना शुरू कर देता है। फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। भारत में जो ज़्यादातर कंपनियां बेच रही हैं वो फिश ऑयल बेच रही हैं, प्योर कॉड लिवर ऑयल मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो फिश ऑयल के अंदर भी ओमेगा 3 तो होता है, कॉड लिवर ऑयल के अंदर भी ओमेगा 3 होता है। फिश ऑयल के अंदर DHA और EPA ये दोनों टाइप के ओमेगा 3 पाए जाते हैं, और कॉड लिवर ऑयल की बात करें इसमें भी DHA और EPA पाए जाते हैं। पर जो ज़्यादा कारगर है, जो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने का सबसे ज़्यादा काम करता है, वो कॉड लिवर ऑयल है, क्योंकि फिश ऑयल के अंदर आपकी मेमोरी को बढ़ाता है। जो रिसर्च हुई है फिश ऑयल, अगर आप कंटिन्यू फिश ऑयल कंज्यूम करना शुरू करेंगे आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि फिश ऑयल का कोई बेनिफिट नहीं है। कॉड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी है, तो इससे ये आपकी ओवरऑल बॉडी को सपोर्ट करता है, आपको जल्दी बीमारियां नहीं आती हैं किसी भी तरह की। विटामिन ए आपकी आँखों की और ब्रेन की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसलिए कॉड लिवर ऑयल है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है। तो फिश ऑयल और कॉड लिवर ऑयल मिलकर भी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसके इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होंगे कि ओमेगा 3 आपके अंदर कम हो गया है, क्या कुछ आपको लक्षण आपकी बॉडी में मिल सकते हैं। सबसे पहला जो ओमेगा 3 डेफिशिएंसी का जो लक्षण मिलता है वो है ड्राई आइज, आँखें आपकी सूखने लग जाती हैं, इनके अंदर पानी बनना बंद हो जाता है, थोड़ी सी हवा से आँखों के अंदर लालीपन आने लग जाती है, रेडनेस रहती है आपकी, जब भी आंखों पे देखें रेडनेस छाई रहती है, लाल रहती है आंखें। डर्मेटाइटिस हो सकती है कि आपके शरीर का कोई भी एक खास हिस्सा वहाँ पे रफ स्किन हो सकती है, तो ये ओमेगा 3 डेफिशिएंसी का एक सिम्टम हो सकता है। आर्थराइटिस आपको हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होने के बाद आर्थराइटिस से वो रिकवर नहीं हो पाते। आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द है, जॉइंट पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ों के दर्द की बीमारियाँ उनकी रुकती नहीं है, बढ़ती ही जाती हैं, तो ये आपको दिक्कत आ सकती है। अरिदमिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये काम करता है, अगर ओमेगा 3 आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपका हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है, आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लग जाती है धीरे धीरे, क्योंकि ओमेगा 3 आपके अंदर ब्लॉकेज को क्लियर करता है, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है उसको बनाए रखता है, और हार्ट लंबे समय तक जवान बना रहता है और उसके किसी भी हिस्से में ब्लॉकेज या क्लॉट नहीं आती है। और जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके अंदर ही बहुत ज़्यादा कारगर है। ओमेगा 3 की जब डेफिशिएंसी हो जाती है आपको, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ सकती है आपकी, खास करके जो LDL है, जो बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल हैं वो आपके अंदर बढ़ सकते हैं, और मैकुलर डिजनरेशन बढ़ती उम्र के साथ। हम भारत में या अपने आसपास भी देखेंगे कोई ना कोई ऐसा होगा जिसकी कैटरेक्ट हो गया है, उसको मोतिया बंद हो गया है, आंखें कमज़ोर हो गई हैं, क्योंकि ओमेगा 3 डेफिशिएंसी से बहुत जल्दी आंखों की बीमारियां आपके पास आ जाती हैं। तो ये कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ये डेफिशिएंसी सिम्टम मिल रहे हैं तो आपको फिश ऑयल या कॉड लिवर ऑयल शुरू करना चाहिए। अब चलते हैं कि इसके बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं आपके। जैसे हमने EPA के बेनिफिट डिस्कस किए, तो ऐसे ही DHA है जिससे हमारा 20% ब्रेन भी बना होता है, तो ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है कि आप जो भी कुछ खाए पिएंगे वहाँ से शरीर कैल्शियम निकालना शुरू कर देता है, आपके बालों की सेहत अच्छी होने लग जाती है। बहुत सारे लोगों को बाल उनके रूखे रहते हैं, सूखे रहते हैं, फिजी हेयर रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है।
हार्ट की हेल्थ के लिए अगर आपको LVH की कोई इशू चल रही है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी चल रही है, टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन चल रही है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होता है DHA टाइप का जो ओमेगा 3 है। नेल्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि नेल्स आपके ब्रिटल ना हो, वहाँ पे देखा गया कि ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। तो जब कैल्शियम की कमी आती है, आपके जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है, तो उसको रिकवर करता है। और ओवरऑल आपका जितना भी हड्डियों का ढांचा है, बोन स्केल्टन है, उसकी हेल्थ को ये बनाए रखता है। तो DHA टाइप का आपको ओमेगा 3 लेना भी साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेशो की बात करें तो 1:1 रेशो भी मिल जाए EPA और DHA तो सबसे बढ़िया रहता है। अब चलते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हो सकते हैं कि जहाँ से आपको ओमेगा 3 या फिश ऑयल वाला EPA और DHA मिल सके, जो आपकी बोन को सपोर्ट करे, आपकी मेमोरी को सपोर्ट करे, आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करे, आप बीमारियों से दूर रहें। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत ही बढ़िया सोर्स है सोयाबीन। सोयाबीन के अंदर बहुत ही बढ़िया ओमेगा 3 मिलता है और लगभग सोयाबीन हर जगह इजीली अवेलेबल हैं। तो सोयाबीन का प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको रेगुलरली आप अपनी डाइट में ऐड कर लें। दूसरा ओमेगा 3 जो नेचुरल वेजिटेरियन सोर्स है वो है वॉलनट्स, अखरोट। अखरोट के अंदर दोस्तों ओमेगा 3 तो होते ही होता है साथ में, इसके साथ और भी बहुत सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, आपके बोन सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, आपके लिवर को सपोर्ट करते हैं और ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो आप अखरोट की 2 से 3 गिरियां आप रात को भिगो दें और सुबह उठकर इनको खा लें। तो ऐसे आप इसको रेगुलरली 2 से 3 गिरियां 3 महीने तक लेंगे तो ओमेगा 3 के आपके जितने भी सिम्टम आपको दिख रहे थे, या आप ओमेगा 3 या फिश ऑयल है, आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं लेना चाहते, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एक और सोर्स है जो है अलसी। अलसी के बीजों के अंदर भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ओमेगा 3 पाया जाता है और अलसी के बीजों से आपकी हड्डियों की बीमारियां बहुत खास करके दूर होती हैं। अगर आपको इन्फ्लामेशन चल रही है जॉइंट्स की, आपके घुटने की, आपकी एडी की, सर्वाइकल की, कमर की, तो आप लगभग आधा चम्मच भुनी हुई अलसी हर रोज सुबह उठते ही लेना शुरू कर दें। गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं या चुबा के वैसे भी ले सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है ये। नॉन वेजिटेरियन के लिए ओमेगा 3 एग्ज में मिल जाता है। जो भी मीट खाते हैं, किसी भी हम एनिमल का मीट खाते हैं, उसके जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, स्प्लीन है, उसके अंदर ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। और जो लगभग फिश, जो जंगली फिश जिनको बोल देते हैं, जो फार्म प्रोड्यूस नहीं है, जो जंगली फिश हैं, उनके अंदर भी ओमेगा 3 बहुत बढ़िया होता है। तो कॉड लिवर अगर आपको रिनियन मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं। नॉन वेज के अंदर आ जाता है वेजिटेरियन, ये वाले जो 3 सोर्सेस हैं इनको लें। तो इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज आए, चाहे वो गठिया, चाहे वो एलर्जी है, चाहे अस्थमा है, चाहे ब्रेन ट्यूमर है, चाहे किसी के हार्ट के वाल्व खराब हैं, चाहे वो थायराइड या डायबिटीज हैं, चाहे वो आप इनके लिए काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे हैं, इनका परमानेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सारी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल फिर नई वीडियो के साथ।